तो आज बच्चों जो है हम अगला चैप्टर देखेंगे जो कि कॉम्पैक्शन है, और कॉम्पैक्शन को हमने कहीं ना कहीं रियल लाइफ में देखा हुआ है। जब हम जाते हैं हाईवे के किनारे तो ये देखते हैं कि कई बार सड़क के किनारे रोलर चल रहे हैं, या कोई सड़क बन रही है तो रोलर चल रहे हैं, या हम छोटे लेवल पे देखते हैं कि जो रैमर्स होते हैं, धुरमुट होते हैं, उससे लेबर जो है वो ज़मीन की कुटाई कर रहे हैं, या हम देखते हैं बड़े बड़े टायरों वाले रोलर जो है वो चल रहे हैं। तो जब भी कोई एम्बैंकमेंट या हाईवे कंस्ट्रक्शन या डैम, इस तरह के बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं तो हम अक्सर इस चीज़ को देखते हैं। तो ये फिनोमिनन कुछ नहीं है, इसको हम ये कहते हैं कि बस सॉइल को कूटा जा रहा है, तो ये टेक्निकली जो है इट इज़ कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में होता क्या है कि लूज सॉइल को हम डेंस करते हैं। जो लूज सॉइल है, मोटी सी बात है, जो लूज सॉइल है उसको हम डेंस करते हैं। तो अगर हम थ्री फेज डायग्राम में देखें तो जैसे ये हमारे सॉलिड है, ये वाटर है और ये एयर है। तो जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, एयर के वॉइड्स को कम करते हैं, एयर के वॉल्यूम को कम करते हैं। तो सॉलिड, वाटर, और अब ये एयर इतनी कम हो गई। तो बेसिकली अगर ये V1 वॉल्यूम है और ये V2 वॉल्यूम है, तो ये V1 - V2, दिस इज द डिफरेंस इन वॉल्यूम, जो कि तो ये जो वॉल्यूम में कमी होती है V1 और V2 में, देखिए जो कमी है, ये कमी जो है ये कॉम्पैक्शन की वजह से हो सकती है। तो कॉम्पैक्शन के दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। एक तो कॉम्पैक्शन में क्या होता है, एयर को बाहर निकाला जाता है वॉइड से, एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम वॉइड, तो वॉइड से एयर को बाहर निकाला जाता है, देयरफॉर वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड। तो टोटल वॉल्यूम जो सॉइल का है वो रिड्यूस किया जाता है। एयर को कैसे निकाला जाता है, कुछ एनर्जी दे के, ठीक, जब हम रोलर चला रहे हैं तो कोई एनर्जी दे रहे हैं, हम रैमर मार रहे हैं तो कोई एनर्जी दे रहे हैं, तो बेसिकली बाई प्रोवाइडिंग मैकेनिकल एनर्जी, ठीक, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो सॉइल हम देखते हैं इसमें, ये तो सॉलिड है, वाटर है और एयर है। वाटर इनकम्प्रेसिबल माना जाता है, मतलब अगर वाटर पे आप फोर्स लगाएंगे तो उसे आप कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, इनकम्प्रेसिबल होता है। एयर जो है वो कंप्रेसिबल होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। तो जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं तो बेसिकली जो हाईली कंप्रेसिबल एयर है उसको हम एक्सपेल करते हैं वॉइड से, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो कॉम्पैक्शन कहलाती है। और चूंकि मैकेनिकल प्रोसेस है, थ्रू मशीन या थ्रू सम वे हम एनर्जी देते हैं, तो इसलिए ये फास्ट होती है, इट इज़ ए फास्ट। कॉम्पैक्शन बहुत तेज़ी से हो सकता है, लेकिन यदि आप चाहें कि आप इसके पानी को बाहर निकाल दें तो ये बहुत मुश्किल काम होगा, ठीक है। और जब हम पानी को बाहर निकालते हैं, पानी ऑटोमेटिकली निकलता है इस वॉइड से, तो वो प्रोसीजर, वो जो डेफिनेशन है वो कंसोलिडेशन में आती है, कॉम्पैक्शन में नहीं आती। तो कॉम्पैक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम बेसिकली एयर वॉइड्स को कम करते हैं। एयर वॉइड्स हम जितने कम कर लेंगे उतनी मृदा हमारी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। एक चीज़ और देखिए कि जो हम गाँव देहातों में देखते हैं, अपने घरों में, किचन में देखते हैं, हम क्या लाते हैं, बड़े बड़े ड्रम में अनाज भरते हैं, और अनाज भर के हम जब वो पूरा भर जाता है तो हम उसको हिलाते हैं। जब हिलाते हैं तो क्या होता है, उसके बीच के जो वॉइड्स हैं एयर एक्सपेल निकल जाती है और उसके बीच में अनाज के पार्टिकल्स आ जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि अब ये जो है 1/4 खाली रह गया, फिर हम उसमें और अनाज भर सकते हैं। तो सेम वे सॉइल भी है, जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है तो वन मेथड और अलग, हम रोलर चला के या डिफरेंट मेथड से हम क्या करते हैं, उसके एयर वॉइड्स को कम करते हैं, ताकि उस पर जब हम कंस्ट्रक्शन करें तो वो जो कंप्रेसिबल एयर है वो तुरंत बाहर ना निकल जाए। यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, यदि ऐसा होगा तो होगा ये कि अगर कंस्ट्रक्शन से पहले ही आप उसकी एयर को नहीं निकालेंगे, उसको कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे, तो होगा क्या, जब आप उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो सेटल कर जाएगी, उसका वॉल्यूम कम होगा जिसकी वजह से वो सेटल कर जाएगी, और सेटल कर जाएगी तो बिल्डिंग जो है वो रहने लायक नहीं रह जाएगी।
ठीक है। तो इसलिए नींव बनाते समय या कोई भी बड़े कंस्ट्रक्शन के समय बहुत ही जरूरी है कि हम एयर को एक्सपेल करें उसके वॉइड से, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन को लैब में निकालने की कोशिश की गई है, लैब में निकाला जाता है, और कोशिश की जाती है कि जो लैब का मान है उतने ही के आसपास हम फील्ड में कॉम्पैक्शन को कर लें। तो कॉम्पैक्शन को मेज़र करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है, हमने जब आपको सॉइल की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें कई तरह की डेंसिटीज या यूनिट वेट्स बताए थे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट वेट होता है वो गामा डी होता है। गामा डी क्या था, डब्ल्यू डी अपॉन ड्राई वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये है टोटल वॉल्यूम और ये है ड्राई वेट ऑफ सॉइल, और गामा डी को ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट बोलते हैं, ड्राई यूनिट वेट। तो एक मोटा सा कंसेप्ट है, जितना ज़्यादा ड्राई डेंसिटी होगा या ड्राई यूनिट वेट होगा उतनी ही वो सॉइल कॉम्पैक्ट होगी। तो हमारी अटेम्प्ट क्या होती है कि इसको बढ़ाना। ये कब बढ़ेगा, देखिए ये ड्राई यूनिट वेट तो सॉइल का चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड का वेट है। तो ये बढ़ेगा कब, जब टोटल वॉल्यूम घटेगा, और टोटल वॉल्यूम में क्या घटेगा, मेनली जो एयर का वॉल्यूम है वो घटेगा। तो एयर अगर एक्सपेल हो जाएगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी तो गामा डी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली कॉम्पैक्शन को मेजर करने के लिए हम गामा डी का यूज़ करते हैं, और कोशिश करते हैं कि गामा डी को हम बढ़ाते जाएं, जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाते जाएं, और जितना ज़्यादा गामा डी बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा सॉइल कॉम्पैक्ट होगी। ये कंसेप्ट है। तो अब आते हैं हम लैब में किस तरह से हम कॉम्पैक्शन करते हैं। और एक चीज़ हम और देखते हैं, एक चीज़ और ऑब्जर्वेशन आप करिए कि जब रोलर चलते हैं तो उसमें पानी भी मिलाते रहते हैं, और जब आप घर पे भी छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन भी कराते हैं, जब रैमर्स भी चलाते हैं तो उसमें देखते हैं आप कुछ कुछ पानी मिलाया जाता है। एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अगर बहुत ड्राई मिट्टी है तो उसमें अगर आप रोलर चलाएंगे या उसमें धुरमुस भी चलाएंगे तो वो कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा उसे पानी मिला देंगे तो हल्की सी मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी तो आप देखेंगे अब वो अच्छी तरह कॉम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद और पानी मिलाएंगे तो वो और ज़्यादा सहज हो जाएगी और बढ़िया ढंग से वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी मिला देंगे तो स्लरी टाइप की बन जाएगी, और वो आप उसमें जब रोलर करेंगे तो होगा कि एक तरफ से रोलर चला रहे, दूसरी तरफ से मिट्टी उड़ जा रही है, या एक कर्व टाइप का बन जा रहा है, प्रॉपरली जो है मिट्टी कॉम्पैक्ट नहीं हो पा रही है। तो प्रॉक्टर टेस्ट, सबसे पहले एक प्रॉक्टर टेस्ट हुआ था जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, जिन्होंने ये कोशिश की थी कि हम देखें कि पानी की कंटेंट पे, वाटर कंटेंट पे किस तरह से कॉम्पैक्शन डिपेंड कर रहा है, और कॉम्पैक्शन को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, गामा डी से। तो गामा डी और वाटर कंटेंट, ठीक है, ये वाटर कंटेंट इसके बीच में एक रिलेशनशिप ड्रॉ करने के लिए प्रॉक्टर ने क्या किया, एक टेस्ट डिज़ाइन किया जिसको स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट क्या करता है, डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट के लिए गामा डी की वैल्यू निकालता है, ठीक है। तो एक लैब टेस्ट है जिसकी सहायता से आप डिफरेंट जलांश के लिए गामा डी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ लेते हैं। तो देखिए पहले एक नॉन कोरेसिव मॉड्यूल होता है, मोल्ड होता है इस तरह का, ठीक है, जिसकी हाइट होती है 127.3 mm और 100 mm। देखिए जो प्रॉक्टर टेस्ट है बहुत पुराना है, तो इसके ज़्यादातर जो स्पेसिफिकेशन है वो FPS सिस्टम में है, तो बुक टू बुक ये स्पेसिफिकेशन थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे SI यूनिट में चेंज होते हैं तो कुछ लोग थोड़ा सा इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इस सिलेंडर का यदि वॉल्यूम देखेंगे, इंटरनल वॉल्यूम देखेंगे, तो इंटरनल वॉल्यूम क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम होगा। इस मोल्ड का, ये क्या है, मोल्ड, सिलेंड्रिकल मोल्ड, ठीक है।
और ये लगभग लगभग आपका 1000 cc के आसपास होता है। कई किताबें से 944 cc लिखती है, आप यू बुक में चूँकि 1000 cc लिखा हुआ है इसलिए मैंने 1000 cc लिख दिया। होता क्या है, जो ओरिजिनल टेस्ट था वो FPS में था, इसे SI में कन्वर्ट है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन ही आपको मिल जाएगा, बट उसका मतलब प्रॉपर निकल जाएगा। अब क्या है, ये खोखला मोल्ड है जिसमें हम मिट्टी भरते हैं और नीचे इसके एक प्लेट लगा देते हैं, इसको पूरा साफ करके इसके नीचे एक प्लेट लगा देते हैं ताकि मिट्टी नीचे ना गिरे। तो ये जो प्लेट होती है ये बेस प्लेट कहलाती है, ठीक। तो इस मोल्ड के नीचे क्या करते हैं, एक बेस प्लेट लगा देते हैं और इसके टॉप पे जो है एक अटैचमेंट लगा देते हैं जो इसी सिलेंड्रिकल अटैचमेंट ही होता है, इसके ऊपर ऐसे फिट हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉलर, एक इस तरह का अटैचमेंट होता है जिसको कहते हैं कॉलर। आप लोग अगर किताब में देखेंगे तो आपको फिगर मिल जाएगा, इसको कहते हैं कॉलर। तो ये कॉलर लगभग 6 cm तक प्रोजेक्टेड होता है, ये कॉलर ऊपर फिट हो जाता है। वो इसलिए होता है कि कॉम्पैक्शन करें, थोड़ी मिट्टी ऊपर भी आ जाए तो बाद में कॉलर को हटा के इसके हम स्क्रैप कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का मोल्ड होता है, एक बेस प्लेट होती है और एक कॉलर होता है। अब जो है इसमें करते क्या है, जिस मिट्टी का हमको रिलेशनशिप निकालना है गामा डी और डब्लू में, फील्ड से कहीं से मिट्टी उठाएंगे जहाँ पे हमको आगे कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो उसकी मिट्टी लेंगे। मिट्टी लेके क्या करेंगे, उसमें कुछ पानी मिलाते हैं। तो एक थंब रूल के हिसाब से यदि सैंड रेतीली मिट्टी है तो हम लगभग 4%, और थोड़ी क्लेई सॉइल है तो थोड़ा पानी ज़्यादा लगेगा तो 8%। इसके बीच में पानी मिला के एक एयर टाइट कंटेनर होता है, मान लीजिए क्ले लिया, 8% पानी लिया, अच्छी तरह मिक्स किया, उसके बाद इस एयर टाइट कंटेनर में कितने घंटे तक रख देते हैं, लगभग 16 आवर्स तक, ठीक है। और अगर सैंड है तो लगभग आधे घंटे तक, 30 मिनट तक। किस में रख देते हैं, एक एयर टाइट कंटेनर में, किस लिए, ताकि सॉइल प्रॉपरली मैच्योर हो जाए, मैच्योर हो जाए मतलब उसमें पानी प्रॉपरली मिल जाए, ठीक। अब क्या करते हैं, ब्लेस प्लेट का अटैचमेंट लगा देते हैं, कॉलर लगा देते हैं और मिट्टी, अब जो मिट्टी हमने ली है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि ये छन्नी जो है 20 mm और 4.75 mm, इन दोनों के बीच के छान के हम इसमें मिट्टी भर लेते हैं। और मिट्टी कैसे भरेंगे हम, इसमें भर लिया पहले हमने एयर टाइट कंटेनर, उसके बाद तीन लेयर्स में हम इसमें भरते हैं। तो तीन लेयर में हम कैसे भरेंगे, पहले फर्स्ट लेयर भरी हमने, फर्स्ट लेयर मिट्टी भरने के बाद एक हमारे पास रैमर होता है जो इस तरह का अटैचमेंट होता है। अब क्या है, इसका हाइट फिक्स होता है, ठीक है, इसकी हाइट होती है लगभग 31 cm और रैमर का वेट जो होता है ये 2.6 kg होता है। तो क्या करते हैं, एक बार इसको उठाते हैं, इसके नीचे वेट लगा होता है, ये अगर अंदर देखेंगे तो एक वेट होता है, इस तरह से एक वेट होता है, इसको उठाते हैं 31 cm और छोड़ देते हैं, 31 cm उठाते हैं और छोड़ देते हैं। तो हर बार हाइट इज़ फिक्स्ड एंड वेट इज़ फिक्स्ड, तो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हमको इसको मिट्टी को एनर्जी देते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट अमाउंट कितना होता है, 25 ब्लोज। तो हम क्या करेंगे, एक लेयर में हमने मिट्टी को भरा, इस लेयर में मिट्टी को भरा और उसके बाद क्या किया, इसे 25 ब्लोज दिए, ठीक। 25 ब्लोज देने के बाद हम क्या करते हैं, इस मिट्टी को थोड़ा सा चाकू टाइप के इक्विपमेंट से थोड़ा सा खरोच देते हैं, स्क्रैच कर देते हैं, ठीक है, थोड़े से स्क्रैचेस बना देंगे इसमें। इसके बाद इसमें दूसरी लेयर की मिट्टी भरते हैं और उसके बाद फिर ये रैमर 25 बार ब्लो करते हैं। तो 25 बार ब्लो करेंगे, उसके बाद फिर तीसरी लेयर भरते हैं, तीसरी लेयर में ये थोड़ा सा कॉलर पे आ जाती मिट्टी और उसको फिर जो है हम 25 ब्लो देते हैं। ब्लो देने के बाद हम क्या करेंगे, इस कॉलर को हटा लेते हैं, इस मिट्टी को ट्रिम कर देते हैं, बेस प्लेट को हटा देते हैं, बेस प्लेट की भी मिट्टी ट्रिम कर देते हैं और उसके बाद इस पूरे मोल्ड में अब क्या है, मिट्टी भरी हुई है।
तो इस पूरे मोल्ड में जो सॉइल के साथ है इसका वेट ले लेता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट वेट आ गया हमारा, मान लीजिए इसको हम W2 कह दें, और W1 क्या आता है जब शुरू में खाली मोल्ड होता है उसका हम वेट ले लेते हैं। तो W2 है वेट प्लस सॉइल का वेट, मोल्ड प्लस सॉइल का वेट, इससे हम W1 मोल्ड का वेट घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉइल, टोटल वेट ऑफ सॉइल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल वेट ऑफ सॉइल निकाल लेते हैं। जब टोटल वेट ऑफ सॉइल हमें पता हो जाता है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, वॉल्यूम हमें पता है 1000 cc, तो हमको बल्क डेंसिटी मिल जाती है, गामा बल्क इज इक्वल टू डब्लू टोटल, टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये हमको पता है। तो ये हमको गामा बी का मान मिल जाता है। तो एक्सपेरिमेंट हम 1, 2, 3, 4, 5 सैंपल लेके निकाल सकते हैं गामा बी का मान। अब क्या करते हैं, इसमें जो मिट्टी भरी है इसको हटाते हैं और बीच वाली लेयर से, ये बीच वाली लेयर से एक छोटा सा सैंपल उठाते हैं और इसको एक कंटेनर में रख के जो वाटर कंटेंट निकालने की विधि है, वाटर कंटेंट निकालने की विधि है, आपको वाटर कंटेंट में कई विधियाँ पढ़ाई गई थी, उस विधि से वाटर कंटेंट इस मृदा का निकाल लेते हैं। तो वाटर कंटेंट हमको पता हो जाता है, ठीक। अब हम गामा डी इस फॉर्मूले से, गामा बी अपॉन 1+W, ये हमने पहले प्रूफ किया था, ये वाटर कंटेंट का मान रख देते हैं और हमको गामा डी मिल जाता है क्योंकि बल्क डेंसिटी हमको मिल चुकी है। तो फर्स्ट रीडिंग हमारी क्या होती है, एक मॉइस्चर कंटेंट के लिए हमको एक गामा डी की वैल्यू मिल जाती है ड्राई डेंसिटी, ये प्रॉक्टर टेस्ट होता है। अब प्रॉक्टर टेस्ट में हम ये सेम टेस्ट जो है, हम जब पहले ही सॉइल को तोल लेंगे ज़्यादा मात्रा में, 8-10 किलो हमने मिट्टी ले ली, उसके बाद हर सैंपल में 2-2.5 किलो मिट्टी लग रही है, हम यूज़ कर रहे हैं, और 4-5 रीडिंग हम ले लेंगे, और रीडिंग लेके हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में हम वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट या जलांश ये लेते हैं, और वाई एक्स में गामा डी लेते हैं, ठीक है। एक यूनिट हमको मिली, मान लीजिए एक पानी के उसमें हमको ये यूनिट मिली, दूसरा हम क्या करते हैं, आप उस दूसरी मिट्टी को लेके या उसी मिट्टी को लेके हम थोड़ा पानी की मात्रा चेंज कर देते हैं और सेम टेस्ट रिपीट करते हैं, तो हमें क्या होगा, दूसरी गामा डी की वैल्यू मिलेगी। तो ये हमें दूसरी रीडिंग मिल जाती है, इस तरह से तीसरी रीडिंग मिल जाती है, 4-5 रीडिंग ले लेते हैं हम और एक स्मूथ कर्व ड्रॉ कर देते हैं। तो ये रिलेशनशिप जो होती है ये कहलाती है, ये कर्व जो है, ये कर्व का नाम है, ये कर्व का नाम है कॉम्पैक्शन इस कर्व को कहते हैं कॉम्पैक्शन कर्व, कॉम्पैक्शन कर्व। तो इस कर्व का नाम है कॉम्पैक्शन कर्व, या इसको इन्वर्टेड वी कर्व ये भी कहते हैं, या इसको डेंसिटी मॉइस्चर कंटेंट कर्व भी कहते हैं, डेंसिटी मॉइस्चर कंटेंट कर्व भी कहते हैं, ठीक। तो तीन नाम है, कॉम्पैक्शन कर्व भी कहते हैं, इन्वर्टेड वी कर्व भी कहते हैं, डेंसिटी एंड मॉइस्चर कर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो रिलेशनशिप आ रही है वो कैसी आ रही है, जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे गामा डी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक। अप टू ए सर्टेन पॉइंट, अप टू ए सर्टेन पॉइंट ये डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये किस पर्टिकुलर, ये देखिए ये कर्व ऑब्जर्वेशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जब आप स्मूथ कर्व बनाएंगे तो ये अपने आप ये एक हाईएस्ट पीक मिलेगी। तो ये मॉइस्चर कंटेंट पे डेंसिटी देखिए गामा डी मैक्सिमम मिल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, गामा डी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक। और ये पानी का मात्रा जो है ये अनुकूलतम जलांश कहलाता है, या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है, या OMC कहलाता है, इसको कहते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो बेसिकली जो प्रॉक्टर का टेस्ट है उसने रिलेशनशिप दिया बिटवीन वाटर कंटेंट एंड गामा डी,
और एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल के आया कि पानी का एक अनुकूलतम जलांश होता है, एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है जिसमें ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो फील्ड में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जो डेंसिटी मैक्सिमम हमको मिल रही है, जिस भी मृदा को लिया है जिसके लिए फील्ड डेंसिटी हमको निकालनी है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये मैक्सिमम डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी जितनी आ रही है जितने जलांश पे, फील्ड पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसी के आसपास हम मिट्टी का जलांश रखें, सो दैट हम गामा डी मैक्स के करीब पहुंच सकें। और जो फील्ड है, फील्ड में हमारी अटेम्प्ट होनी चाहिए कितनी, 92-95% ऑफ गामा डी मैक्स, इसको हम अचीव कर सकें। तो व्यवहारिक रूप से जब हम कॉम्पैक्शन करें तो कितने बार रोलर चलाएंगे ये तो हमको नहीं पता ना, तो कितनी बार चलाएंगे हम बार बार मेजर करेंगे, जब हम इस गामा डी जितनी लैब में आ रही है किससे, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से, उसका 90-95% हम कोशिश करेंगे कि हमें फील्ड में मिल जाए, तब हम कहेंगे कि सॉइल हमारी प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड है, अदरवाइज सॉइल प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड नहीं है। तो एक मेजरमेंट हमको मिल गया कॉम्पैक्शन का कि हमको कितने कॉम्पैक्शन करने, उस आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हमको रोलर के कितने पासेस सॉइल में लगाने पड़ेंगे, सो दैट वी कैन अचीव 90-95% ऑफ गामा डी मैक्स। गामा डी मैक्स जो है इसको MDD बोलते हैं, MDD इज मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक है, ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहलाती है। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट काफ़ी केयरफुली डिज़ाइन किया गया था, और उस समय सबसे पहले जो है, जो पहले अर्लियर रोलर थे वो स्मूथ व्हील रोलर चला करते थे, मतलब एक बड़ी सी व्हील ड्रम टाइप का होता था जो ट्रैक्टर में या स्पेशल इक्विपमेंट में लोड कर दिया जाता था और वो रोल करता था। तो हम करते क्या थे कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से हम गामा डी निकालते थे और उस रोलर को इस तरीके से चलाते थे कि फील्ड में हम 90-95% ऑफ MDD को ऑब्टेन कर सकें, ये यूज़ था। लेटर ऑन क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारे इक्विपमेंट्स मॉडिफाई होते चले गए, हमारे रोलर्स मॉडिफाई होते चले गए, न्यूमेटिक टायर रोलर आ गए, वाइब्रेटरी रोलर आ गए, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कई टाइप के रोलर आ गए, तो क्या हुआ कि इस प्रॉक्टर टेस्ट को मॉडिफाई किया गया। और एक चीज़ मैं और देख लूँ कि देखिए यहाँ पे जो प्रॉक्टर टेस्ट होता है, प्रॉक्टर टेस्ट होता है, इसमें अगर हम देखो कि हम मैकेनिकल एनर्जी कितनी देते हैं, तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी देने के लिए हमारा जो रैमर होता है वो 2.6 केजी का होता है, इसके बाद हम 30 सेंटीमीटर का उसको फॉल देते हैं, ठीक है, तो MGH जो है टोटल एनर्जी होती है, और कितने नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं, तो MGH इंटू, देखिए MG हो गया लेयर में देते हैं, इंटू आपके 3 लेयर्स देते हैं, इतना kg सेंटीमीटर आप एनर्जी देते हैं, जो लगभग आपकी 6025 के आसपास आएगी, चेक कर लीजिएगा kg सेंटीमीटर, ये लगभग इतनी एनर्जी आप इसको देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं जिस पे पूरी कॉम्पैक्ट करते हैं। तो हर बार कॉम्पैक्शन एनर्जी सेम होती है, तो सेम कॉम्पैक्शन एनर्जी पे ये रिलेशनशिप ड्रॉ है, जहाँ पे 30 सेंटीमीटर का फॉल है, 2.6 केजी का वेट है, 25 ब्लोज हैं और 3 नंबर ऑफ लेयर्स हैं, तो मतलब टोटल 75 ब्लोज हम दे रहे हैं, ठीक है, ये हाई ट्रेमर की फिक्स है इसलिए हर बार सेम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। तो एक इवन मैकेनिकल एनर्जी पे हम, इवन अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे हम क्या कर रहे हैं, ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, और इस ग्राफ में हमको एक OMC मिल रहा है और एक MDD मिल रहा है, ये स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है। अब मैंने बताया कि जब रोलर्स का मॉडिफिकेशन हो गया तो इस टेस्ट को भी थोड़ा मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई में ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, मॉडिफाई में केवल स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट को मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट बोला गया, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, और जब अमेरिका में हाईवे वगैरह पे काफ़ी काम होना शुरू किया तो ये मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट जो आया, ठीक है, और ये मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में जो सिर्फ फर्क हुआ वो रैमर का वेट ऑफ रैमर ये चेंज हो गया, तो वेट ऑफ रैमर जो है वो 4.9 केजी लिया गया जो 2.6 केजी था, और जो हाइट ऑफ रैमर था
हाइट ऑफ फॉल कह लीजिए, जितने से गिराया जा रहा हो, हाइट ऑफ फॉल ये लिया गया 45 सेंटीमीटर, जो वहाँ 30 या 31 सेंटीमीटर था, और नंबर ऑफ लेयर्स कितनी लेयर में मिट्टी जमा करते थे, वहाँ पे 3 लेयर पे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स जो है वो 5 हो गई, और ब्लोस, नंबर ऑफ ब्लोस, एक लेयर में कितनी बार ब्लो देने हैं, कितनी बार रैमर को गिराना है, नंबर ऑफ ब्लोस ये रहा 25। तो बेसिकली इसमें वो एनर्जी हमने दी वो दी 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 45 MGH हो गया। इसके बाद 25 ब्लो एक लेयर पे हो गए और इंटू 5 लेयर हो गई, तो ये लगभग एनर्जी जो हमने दी वो दे दी 27,562 के आसपास, 562 kg सेंटीमीटर। ये एनर्जी का मान थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटेड है, और कारण भी बता दिया क्योंकि ओरिजिनल टेस्ट जो है सारे FPS में थे, इसको SI में कन्वर्ट किया, लेकिन कुल मिला के निचोड़ ये है कि उसमें लगभग 6,500 kg सेंटीमीटर की एनर्जी दे रहे थे, यहाँ पे हमने इसे 27,000 कर दिया, ठीक है, तो 6×24 करीब 4 गुना हमने कॉम्पैक्शन एनर्जी को बढ़ा दिया, और टेस्ट एकदम सेम रखा, ठीक उसी तरह हमने छन्नी से छाना, उसके बाद उसे मैच्योर किया, मैच्योर करने के बाद एक लेयर में जमा किया, उसके बाद 25 नंबर ऑफ ब्लोज दिए, इतनी एनर्जी दी, दूसरी लेयर में डाला, तीसरी लेयर में डाला, 5 लेयर में डाला, फिर उसे ट्रिम किया, कॉलर हटाया, बेस प्लेट हटाई, उसका वेट लिया, बल्क डेंसिटी निकाली, मिडिल लेयर से वाटर कंटेंट निकाला, और वाटर कंटेंट निकाल के हमने सेम ग्राफ ड्रॉ किया वाटर कंटेंट और गामा डी पे। अब देखिए क्या होगा, अब मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ समझने वाला है। तो देखिए अब क्या हुआ, ये पहला वाला केस था जो हमारा प्रॉक्टर टेस्ट था, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, ये मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है, ये हुआ मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, सेम सॉइल के लिए किया, केवल फर्क क्या हुआ कि यहाँ पे कॉम्पैक्शन एनर्जी जो थी E1 थी और यहाँ पे कॉम्पैक्शन एनर्जी क्या थी E2 थी, जहाँ पे E2 का मान ज़्यादा था, E2 वॉज ग्रेटर देन E1, मतलब जो कॉम्पैक्शन एनर्जी सेकेंड कर्व में थी वो फर्स्ट कर्व से ज़्यादा थी। तो जब हमने कॉम्पैक्शन एनर्जी को बढ़ा दिया तो देखिए क्या हुआ, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यहाँ आ गया, इसको मैं कह लूँ OMC2 और इसको मैं कह लूँ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी MDD2 और इसको मैं कह लूँ OMC1 और इसको मैं कह लूँ MDD1। तो बेसिकली जब आप कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ा देते हैं तो देखिए MDD2 का मान MDD1 से ज़्यादा है, तो MDD2 मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 2 इज ग्रेटर देन MDD1। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप कॉम्पैक्शन एनर्जी को बढ़ा देंगे तो आपको ड्राई डेंसिटी ज़्यादा अचीव होगी, मतलब ज़्यादा कॉम्पैक्शन अचीव होगा, ठीक। और एक चीज़ और आई है, देखिए OMC2 इज लेस देन OMC1, मतलब पानी की मात्रा जो अनुकूलतम जलांश है वो घट गया। तो जैसे जैसे हम कॉम्पैक्शन एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, OMC का मान इधर को शिफ्ट होता जाएगा और ड्राई डेंसिटी का मान इधर को शिफ्ट होता जाएगा, मतलब कम जलांश पे आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी जिसकी वैल्यू इस कर्व से ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ाते हैं वैसे वैसे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में आती है, ठीक, और जो MDD की डायरेक्शन है वो ऊपर को जाती है, ठीक है। ये गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच का ग्राफ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपको आना चाहिए, जो रिलेशन बताता है आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। अब कुछ बच्चे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये एक जगह तो डेंसिटी बढ़ रही है और उसके बाद ये डेंसिटी घट क्यों रही है, तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है जिसे कहते हैं लुब्रिकेटिंग थ्योरी। ये हम लुब्रिकेटिंग थ्योरी के हिसाब से समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए
जब ड्राई एकदम ड्राई सॉइल होती है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है. तो हम कितनी कॉम्पैक्शन एनर्जी देते हैं उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाते क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है. जब हम उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं तो पार्टिकल लुब्रिकेट हो जाते हैं, उनमें फ्रिक्शन कम होता है, वो स्लाइड करना शुरू कर देते हैं. स्लाइड करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, उनके एयर वॉइड्स जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है, और वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की वैल्यू इसीलिए हमको ज़्यादा मिलने लगती है. ठीक है, तो बेसिकली वो कह रहा है, अगर एक समझाने के लिए, अगर मान लीजिए ये सॉइल है तो बेसिकली हम, या जैसे भी पार्टिकल हैं, जैसे जैसे हम पानी बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है, ये लुब्रिकेट होते जा रहे हैं प्रॉपरली, और लुब्रिकेट होते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये फिसलते जा रहे हैं. तो हो सकता है पहली वाटर कंटेंट में इतना पोर्शन लुब्रिकेट हो गया, दूसरी वाटर कंटेंट में इतना परसेंट लुब्रिकेट हो गया. जब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आएगा तो सारे के सारे पार्टिकल जो हैं इस सैंपल में ये पूरे लुब्रिकेट हो जाएंगे प्रॉपरली, और प्रॉपरली लुब्रिकेट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये फुल्ली मोबिलाइज्ड हो जाएंगे, फुल्ली तरह से सॉफ्टन हो जाएंगे, और इनकी एयर ट्रैप, जैसे ही आप कॉम्पैक्शन देंगे इसमें ट्रैप एयर निकल जाएगी और ये एक मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के फॉर्म में आ जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे. अब यह है कि अगर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा पानी देंगे तो क्या होगा, जब इससे ज़्यादा आप पानी देते हैं तो क्या होगा, और ज़्यादा इसमें पानी भर देंगे तो ये सॉइल पार्टिकल्स जो है वो निकलने लगेंगे ग्रेन से और इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा. तो आप जानते हैं कि सॉइल ग्रेन की डेंसिटी ज़्यादा होती, पानी की डेंसिटी कम होती. अगर सॉइल ग्रेन बाहर हो जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी. तो एक लिमिट से ज़्यादा पानी में क्या होता है कि जो सॉलिड सॉइल के ग्रेन्स हैं वो एक्सपेल हो जाएंगे, उनकी जगह वाटर प्लेस कर देगा, और उस वजह से क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी. तो लुब्रिकेटिंग थ्योरी के हिसाब से आप समझा सकते हैं कि किस तरह से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल जाती है. ठीक है, अब इसी क्रम में दो चीज़ें और डिस्कस करने वाली हैं जो आपको आनी चाहिए. तो ये मैंने आपको समझा दिया. अब देखिए, एक फार्मूला होता है गामा डी निकालने के, दो फार्मूले होते हैं. देखिए, गामा डी इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है जो आपने अभी तक मैंने नहीं बताया था, एन ए जी गामा डब्लू अपॉन वन प्लस डब्लू जी. ठीक है, एक फार्मूला ये होता है, ठीक, जहाँ पे एन ए जो होता है ये परसेंटेज एयर वाइट कहलाता है, परसेंटेज एयर वाइट. जिस तरह पोरोसिटी होता है वी वी बाई वी, इसी तरह ये होता है वी ए बाई वी, ये एन ए होता है. तो एक रिलेशन ये आता है ड्राई डेंसिटी और परसेंटेज एयर वाइट्स के बीच में. अब देखिए, अगर एयर वाइट जीरो हो जाए, सपोज कर लीजिए एयर वाइट जीरो हो जाए, मतलब वी ए जीरो हो जाए, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो जाए, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो जाए, मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये पहला एग्जांपल था, सॉलिड वाटर और एयर. अब सपोज कर लीजिए एयर हमने कॉम्पैक्ट करते करते एयर एकदम जीरो आ जाए, ठीक, तो हमारा गामा डी का मान क्या हो जाएगा, जी गामा डब्लू अपॉन वन प्लस डब्लू जी, यही तो हो जाएगा. ये कब होगा, जब एन ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी. एन ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी मतलब सारी की सारी ट्रैप्ड एयर निकल जाएगी. ये केवल थ्योरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे के सारे एयर वॉइड्स को रिमूव कर सकें. तो गामा डी की एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इस स्टेज में, मैक्सिमम वैल्यू होगी जो थ्योरेटिकल होगी, जो क्या होगी, थ्योरेटिकल होगी. तो अगर हम मैक्सिमम थ्योरेटिकल डेंसिटी इस सॉइल के लिए पूछें तो कब होगी, जब एयर वॉइड्स की परसेंटेज जीरो हो जाएगी या एन ए का मान जीरो हो जाएगा. तो दैट विल बी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू जी. ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी होगी. हमारी कोशिश होगी कि हम जीरो एयर वाइड लाइन के पास पहुंच जाएं, जीरो एयर वाइड पे पहुंच जाएं, लेकिन हम कितना ही कॉम्पैक्ट क्यों ना कर लें, हम जीरो एयर वाइड पे नहीं पहुंच पाएंगे. अब एक चीज़ और देखिए, ये हमारा वाटर कंटेंट दिया हुआ है. अगर वाटर कंटेंट की हम एक वैल्यू लें तो हमें गामा डी मिलेगा, इनवर्स रिलेशन मिलेगा. जैसे जैसे वाटर कंटेंट हमारा बढ़ेगा वैसे गामा डी कम होगा. तो अगर हम अलग अलग गामा डी ले लें, जी हमारा कांस्टेंट है, एक सॉइल के लिए कांस्टेंट है, हमको पता होता है, गामा डब्लू यूनिट वेट ऑफ वाटर है, ये पता है. तो हम डब्लू और गामा डी के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये ग्राफ इस तरीके से आता है, ये लाइन के फॉर्म में आता है, हल्का सा कर्व आता है, लाइन के फॉर्म में आता है. इसको कहते हैं जीरो
जीरो एयर वॉइड लाइन या जीरो एयर वॉइड कर्व, आप इसे लाइन भी बोल सकते हैं, कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। हल्का सा एक कर्व होता है, कुछ किताबें इसे कर्व में दिखा देती हैं, और हालांकि इसे आप प्लॉट करेंगे तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, कर्व ही मिलेगा, लेकिन लगभग इसे स्ट्रेट लाइन से कई बुक लिख देती है। इसको जीरो एयर वॉइड लाइन भी कहते हैं या जीरो एयर वॉइड कर्व भी कहते हैं। तो ये जीरो एयर वॉइड कर्व है जो किसी भी वाटर कंटेंट पे, मान लीजिए ये वाटर कंटेंट आपने लिया, सपोज कर लीजिए ये देख रहे हैं, तो हमको ये मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट मिल रहा है, बट थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी जिस पे उसके सारे के सारे एयर वॉइड जीरो होंगे, दैट विल बी दिस, जो कि अचीवेबल नहीं होगी, लेकिन ये मैक्सिमम डेंसिटी होगी उस सॉइल में जो थ्योरेटिकली पॉसिबल है। इसी तरह यहाँ भी आप निकाल सकते हैं कि थ्योरेटिकली पॉसिबल डेंसिटी क्या है। केवल हमारी अटेम्प्ट ये हो सकती है कि हम इसके थोड़ा सा क्लोज कर सकें, कॉम्पैक्शन एनर्जी ऐसे बढ़ाएं कि इस लाइन के थोड़ा सा क्लोज हो जाए, बाकी हम बहुत क्लोज इसके कभी नहीं हो सकते और इस पर जुड़ तो कभी भी नहीं सकते, ठीक है। अब एक दूसरा और इंटरेस्टिंग इशू देखिए इसी में, एक गामा डी मैंने एक डेफिनेशन आपको और बताई थी, दैट वॉज गामा बी या गामा डी एक जी प्लस ई, जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई बताई थी, ठीक है। और एक रिलेशन था इज इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन, ये सब पहले चैप्टर का है, डब्ल्यू जी अपॉन एस आर। तो गामा डी का जो मान मिला वो मिला जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू जी अपॉन एस आर, ये एक रिलेशनशिप दूसरी आई जो कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन और गामा डी के बीच में रिलेशन बता रही है। तो देखिए जब हम जीरो एयर वॉइड लाइन पे आ जाएंगे, जब यहाँ पे आ जाएंगे हम, तो क्या होगा, हम फुल्ली सेचुरेटेड स्टेट पे पहुँच गए, फुल्ली सेचुरेटेड स्टेट पे पहुँच गए तो क्या होगा, एस आर का मान क्या हो जाएगा, 100 या 1, तो गामा डी आपको अगेन क्या मिल जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ये सेम वैल्यू मिल जाएगी, ये सेम वैल्यू मिल जाएगी जो यहाँ पे मिल रही है। अगर ये दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा इसे ऊपर प्लॉट कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ तक अगर दिख रहा है तो गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू जी अपॉन एस आर। इस एस आर का मान अगर मैं 1 रख दूं तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ठीक है। तो देखिए दिस इक्वेशन इज द सेम, तो जो जीरो एयर वॉइड लाइन रिप्रेजेंट करेगी वही है, यहाँ सेचुरेशन कितना था 100%, तो इसको आप 100% सेचुरेशन लाइन भी, सेचुरेशन लाइन या कर्व दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को जीरो एयर वॉइड लाइन भी कह सकते हैं, 100% सेचुरेशन लाइन भी कह सकते हैं। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप वॉइड्स को जीरो नहीं कर सकते। तो दैट इज ए इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, जहाँ पे जीरो एयर वॉइड लाइन और 100% सैचुरेट लाइन एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो जाती है और ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और डिस्कस करें, सपोज कर लीजिए कॉम्पैक्शन एनर्जी और बढ़ाई जाती है। अब ये एमडीडी आप समझ गए तो मैं मिटा दे रहा हूँ, मतलब सब समझ में आ चुका है, ठीक है। तो E1 E2 मान लीजिए मैं कॉम्पैक्शन को और बढ़ा देता हूँ, अब मैं खाली स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की बात नहीं कर रहा, सपोज कर लीजिए मैंने किसी सॉइल में 25 ब्लो दिए, मुझे ये कर्व मिला, फिर 50 ब्लो दिए ये कर्व मिला, फिर 75 ब्लो दिए ये कर्व मिला, तो जैसे जैसे कॉम्पैक्शन एनर्जी मैं बढ़ा रहा हूँ क्या हो रहा है, ये कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट खिसक रहा है, वो एम सी कम हो रहा है और एम डी डी जो है वो बढ़ रहा है। अगर मैं इसके सारे लाइन्स को मिला दूँ, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के जो पॉइंट हैं इनको मैं मिला दूँ, ठीक है, तो ये एक लाइन मिलती है जिसको कहते हैं लाइन ऑफ ऑप्टिमम, तो लाइन ऑफ ऑप्टिमम, एक ही मिट्टी के लिए मैं अलग अलग कॉम्पैक्शन एनर्जी दे रहा हूँ, तो मेरे को एक ग्राफ, दो ग्राफ, तीन ग्राफ मिल रहे हैं, इन तीन ग्राफ के टॉप को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो दिस इज नोन एज लाइन ऑफ ऑप्टिमम, एंड लाइन ऑफ ऑप्टिमम इज रफली पैरेलल टू द जीरो एयर वॉइड लाइन, ये लगभग जीरो एयर वॉइड लाइन के पैरेलल होती है। अगर ये लाइन ऑफ ऑप्टिमम मैं देखूं 1, 2, 3 एक ही सॉइल है, केवल कॉम्पैक्शन एनर्जी चेंज कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इसका जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो नियरली सेम होगा। तो लाइन ऑफ ऑप्टिमम में क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है 100% तो हो नहीं सकता, उससे कम ही होगा, मान लीजिए 85% है तो 85% यहाँ भी होगा, 85% सेचुरेशन यहाँ भी होगा, 85% सेचुरेशन यहाँ भी होगा, प्रोवाइडेड ये सेम सॉइल है और इसमें हम कॉम्पैक्शन एनर्जी को बढ़ाते जा रहे हैं और इस पर कर्व खींच रहे हैं, ठीक है। अब
एक डिस्कशन और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको मिटाई देते हैं। अब देखिए, हमने जो रिलेशनशिप निकाली थी, गामा डी मैक्स इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई और ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस आर, ठीक है, ये निकाला था। तो बेसिकली अब हम एक रिलेशनशिप देखना जा रहे हैं। मान लीजिए एक हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन सॉइल, और एक कोर्स सॉइल, कोर्स सॉइल, और ये वाटर कंटेंट मान लीजिए ओएमसी की बात कर रहे हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की बात कर रहे हैं। तो फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होगा, जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं इनको लुब्रिकेट करने में ज़्यादा वाटर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो जितनी फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जितना स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही वाटर उसे लुब्रिकेट करने में ज़्यादा लगेगा। तो ओएमसी का मान जो होगा, जो फाइन ग्रेन सॉइल है, अगर हम इसको ओएमसी करेंगे तो हमको गामा डी मैक्स मिल जाएगा। तो जितनी ही फाइन ग्रेन सॉइल होगी उसमें ओएमसी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो जब ओएमसी डब्ल्यू, ओएमसी वाटर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो गामा डी की मैक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होगा, कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होगा कि सरफेस एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, सरफेस एरिया कम होगा, तो इसमें प्रॉपरली सारे पार्टिकल्स को लुब्रिकेट करने में पानी कम लगेगा। और जब ऑप्टिमम वाटर कंटेंट इसकी वैल्यू कम होगी तो गामा डी की वैल्यू क्या होगी, मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये दो सॉइल हैं सपोज कर लीजिए, और हमसे पूछा जाता है कि आपके पास दो सॉइल है, एक सैंड वर्ल्ड ग्रेडेड है और एक सपोज कर लीजिए कहते हैं क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी है, तो कौन सी सैंड वेल ग्रेडेड होगी, कौन सी क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी होगी? तो देखिए, क्ले है तो इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ओएमसी का मान ज़्यादा होगा। तो ओएमसी का मान किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, और इसकी ड्राई डेंसिटी कम होगी। तो देखिए, इसकी ड्राई डेंसिटी से ये ड्राई डेंसिटी कम है तो ये सॉइल जो होगी वो सी एल टाइप होगी और ये सॉइल जो होगी एस डब्ल्यू टाइप होगी। तो कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन सॉइल को हम इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि कौन सी वेल ग्रेडेड सैंड है और कौन सी क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है। ये वही कर्व है जो हमने पहले देखा था, मतलब गामा डी और ऑप्टिमम वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट के बीच का ग्राफ है। अब एक चीज़ हमने और देखी थी कि जो फील्ड में हम डेंसिटी अचीव करते हैं, तो फील्ड में डेंसिटी हम रोलर की मदद से एक्टिविटी करते हैं, और हमारा जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि 90-95% जो लैब डेंसिटी है उसको, या लैब यूनिट वेट है गामा डी है, उसको हम अचीव कर सकें, ठीक है। तो सबसे ओल्डेस्ट जो थे वो फिगर आप लोग बुक में देखिएगा, सब स्टैंडर्ड बुक में फिगर दिए हुए। तो जो फील्ड में जो कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट्स हैं, कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट्स जो फील्ड में यूज होते हैं, इसमें एक होता है स्मूथ व्हील रोलर, स्मूथ व्हील रोलर। तो स्मूथ व्हील रोलर जो है वो सबसे पुराने टाइप के, सबसे प्रिमिटिव, वहीं से शुरुआत हुई है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये ऐसा होता है कि एक ट्रैक्टर है या कोई एक इक्विपमेंट है जिसके आगे आपने पूरा ड्रम लगा रखा, उस ड्रम में कई बार वाटर भी भर देते हैं, कई बार मिट्टी भी भर देते हैं वेट चेंज करने के लिए, और कई बार वो हॉलो भी होता है या कई बार एक निश्चित वेट का भी होता है। तो उसके नंबर ऑफ पासेस जो ले जाते हैं और लाते हैं, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब ये व्हील चलती है, पूरी ड्रम पर चलता है, तो सॉइल 100% कवरेज देती है। तो इट कवर्स 100% सॉइल, मतलब जितने एरिया पर चल रहा है उसकी पूरी सॉइल को यूनिफॉर्मली वो प्रेस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। तो क्ले और सैंडी क्लास, सैंडी सॉइल के लिए भी यूज़ किया जाता है,
और होता क्या है कि जो 6 to 8 पासेज हैं, जब आप 6 to 8 बार चलाएंगे तो मैक्सिमम डेंसिटी को कॉम्पैक्ट कर देता है, उसके बाद रोलर्स आप चलाना शुरू करते हैं तो जो डेंसिटी की कॉम्पैक्टनेस है वो बढ़ घटना कम हो जाती है, मतलब डेंसिटी बढ़ने के रेट कम हो जाता है, सॉइल के कॉम्पैक्शन का रेट जो है वो कम होने लगता है। दूसरी जो सॉइल है, सॉरी सॉइल नहीं, दूसरा जो इक्विपमेंट है वो कहलाता है न्यूमेटिक टायर रोलर, न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। न्यूमेटिक टायर रोलर क्या होता है, ये टायर होता है जिसमें हवा भरी होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि इस रोलर में कई पहिए लगे होते हैं जिसमें हवा भरी होती है और वो चलते हैं, तो क्या होता है एक पहिए और दूसरे पहिए के बीच में गैप होता है जिसके कारण 100% कवरेज नहीं हो पाती और ये लगभग 70 to 80% कवरेज देता है, 70 to 80% कवरेज इसका रहती है, ठीक है। लेकिन फ़ायदा ये रहता है कि देखिए दो तरह का एक्शन होता है, एक कॉम्पैक्शन है कि हम सीधे उसको प्रेस करते चले जा रहे हैं, और दूसरा है जब न्यूमेटिक टायर है, जब उसमें हवा भरी है और हवा एक लेवल तक भरी है तो चलता है, तो वो बाउंसिंग एक्शन भी देता है। तो जिस तरह से आप आटा देखते हैं, आटे को क्या करते हैं ऐसे ऐसे गूंथते हैं, ठीक है, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए, उसी तरह सॉइल पे ये एक्शन जो होता है दिस इज नोन एज नीडिंग एक्शन, जो आटा गूंदने वाला एक्शन होता है दिस इज नोन एज नीडिंग एक्शन। तो बेसिकली जो हमारा न्यूमेटिक टायर होता है इसमें प्रेशर भी लग रहा है और नीडिंग भी लग रही है, तो अगर सॉइल में क्ले कंपोनेंट भी है तो बहुत अच्छे ढंग से कॉम्पैक्ट हो जाती है न्यूमेटिक टायर रोलर में। थर्ड होता है शीप फुट रोलर, शीप फुट रोलर। शीप फुट रोलर में क्या होता है, ड्रम होता है और ड्रम में प्रोजेक्शंस बने होते हैं, कांटे टाइप के निकले होते हैं, प्रोजेक्शन बने होते हैं। तो बेसिकली जब ये चलता है तो अपने दबाव से प्रेस भी करता है मिट्टी को और ये नीडिंग एक्शन भी करता चलता है। तो जब बहुत क्लेई टाइप की सॉइल होती है तो शीप फुट रोलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर क्लेई सॉइल। और आजकल क्या करते हैं, वाइब्रेटर, अगला है वाइब्रेटर। ये बेसिकली सैंडी सॉइल के लिए बहुत यूजफुल होता है, दिस इज़ यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। जो हमने अभी आपको पहला ग्रेन वाला एग्जांपल बताया था कि जब हम शेक करते हैं तो वो ऐसे स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाती है सॉइल कि उसकी एयर जो एक्सपेल हो जाती है और वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो वाइब्रेटर के केस में भी यही होता है। वाइब्रेटर के केस में बेसिकली जो डेंसिटी है वो कम करने के लिए एक वाइब्रेटर मशीन होती है, ये मशीन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है और इसमें सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कोहेशनलेस पार्टिकल्स होते हैं, जब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से और इस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तो पार्टिकल मैक्सिमम एजिटेट करके एक डेंस या कॉम्पैक्ट स्टेट में आ जाते हैं। तो कई बार ये वाइब्रेटर्स जो होते हैं ये आजकल की डेट में चाहे स्मूथ व्हीलर रोलर हो, चाहे न्यूमेटिक टायर रोलर हो, चाहे शीप फुट रोलर हो, इनमें फिट कर दिए जाते हैं। तो बेसिकली इसमें नीडिंग एक्शन भी हो रहा है, वाइब्रेटरी एक्शन भी हो रहा है और जो प्रेशर लग रहा है वो भी लग रहा है, तो तीनों टाइप से ये रोलर्स यूज़ हो जाते हैं। तो बेसिकली वाइब्रेटर्स आर यूज फॉर ग्रैनुलर सॉइल और कोहेशनलेस सॉइल, बट दे कैन बी यूज विद दिस एंड दिस इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। अब कॉम्पैक्शन में हमें फील्ड में किस तरीके से डेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि लैब में डेंसिटी आ गई, ये हमने देख लिया कि हम किस तरीके से कॉम्पैक्शन करेंगे। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में जो हमने कॉम्पैक्ट किया है उसकी डेंसिटी क्या है, वो कितनी डेंसिटी हम अचीव कर पाए, हम 90 to 95% लैब डेंसिटी अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया और उसने आपने कहा कि भाई ये हमारी डेंसिटी आ रही थी लैब में, इसका 90% आनी चाहिए, उसने कितने पास चलाए कितने नहीं चलाए, अल्टीमेटली आप चेक करने के लिए कुछ फील्ड मेथड्स आपके पास होने चाहिए जिससे आप देख सकें कि वास्तव में जो डेंसिटी फील्ड में मिली है वो कितनी है। तो इसको देखने के लिए हम अगले लेक्चर में कुछ मेथड्स हैं जो डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि फील्ड मेथड्स क्या हैं जिससे हम कॉम्पैक्शन निकाल सकते हैं। कॉम्पैक्शन एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और हमारे हर एक की ज़िंदगी में हमने इस चीज़ को देखा हुआ है। केवल यह है कि जो एक रिलेशनशिप थी, हम ये व्यवहार से जानते थे बहुत ज़्यादा पानी मिला दोगे तो ख़राब हो जाएगी, बहुत कम मिला दोगे, एक अंदाज था, बट सबसे पहले ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसके आधार पर गामा डी डिफाइन किया गया, गामा डी को एमसी और गामा डी मैक्स डिफाइन किया गया, तो एक टेक्निकल अप्रोच है और वास्तव में हम पैसे बचा भी सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास मेजरमेंट है। अगर हम फील्ड डेंसिटी देखेंगे 90 to 95% अचीव हो गई
तो हम नंबर ऑफ पास बढ़ा के केवल जो रोलर्स है उसका डीजल वेस्ट करेंगे, उसका किराया वेस्ट करेंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बच्चों आज इसी नोट पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर कॉम्पैक्शन को ही कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।